लेटेस्ट न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के सामने सरकार बनाने का पेश किया दावा, 30 मई को ले सकते हैं शपथ। नरेंद्र मोदी को सांसदों ने संसदीय दल का नेता चुना, अमित शाह ने रखा था प्रस्ताव, बैठक में औपचारिक रूप से नरेंद्र मोदी को चुना गया राजग का नेता। पीएम नरेंद्र मोदी ने पहली बार चुने गए सांसदों को दी शुभकामनाएं, कहा पूरे विश्व का ध्यान था भारत की ओर, देश की जनता को दिया धन्यवाद। पीएम मोदी का बड़ा बयान, प्रचंड जनादेश जिम्मेदारियों को बढ़ा देता है, भारत के लोकतंत्र को हमें समझना होगा। पीएम ने कहा सत्ता का रुतबा भारत के मतदाताओं को नहीं करता है प्रभावित। एनडीए ने मोदी के नाम पर लगाई मोहर, शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल, बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने किया मोदी का प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन। प्रधानमंत्री मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के छुए पैर, दोनों ने दिया आशीर्वाद। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सांसदों को किया संबोधित, कहा देश की जनता ने मोदी को दिया है प्यार, ये जनादेश जनता का आशीर्वाद। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा रविवार शाम को अपनी मां से आशीर्वाद लेने गुजरात जाऊंगा, उसके बाद सोमवार को काशी की जनता से मिलूंगा। YSRCP नेता जगन मोहन रेड्डी पीएम मोदी से रविवार को करेंगे मुलाकात, दोपहर 12 बजे पीएम से करेंगे चर्चा। ममता बनर्जी ने की सीएम पद से इस्तीफे की पेशकश, कहा कुर्सी मेरे लिए बड़ी चीज नहीं, ममता ने कहा मैं मुख्यमंत्री पद पर अब नहीं रहना चाहती। दो दशकों से नवीन पटनायक का नहीं है कोई विकल्प, पांचवीं बार बनेंगे सीएम, 29 मई को सीएम पद के लेंगे शपथ, राज्य की 143 विधानसभा सीटों में से 112 पर हासिल की जीत। बीजेपी नेताओं ने मांगा कर्नाटक सीएम कुमार स्वामी और सिद्धारमैया से इस्तीफा, कहा कर्नाटक में खो दिया इन लोगों ने विश्वास, लोकसभा परिणामों की वजह से भाजपा नेताओं ने बनाया है दबाव। बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने जनता से की शांति की अपील, लोकसभा चुनाव में कई लोगों की हुई थी मौत, राज्यपाल ने कहा शांत रहे बंगाल के लोग। HS न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।